हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखने वाले हैं मलिमथ कमेटी से रिलेटेड कुछ बातें। एक्चुअली मलिमथ कमेटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि पिछले 3 साल से पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया है, क्रिमिनल जस्टिस को लेके कोई क्वेश्चन नहीं आया गया है। तो ये नेक्स्ट ईयर 2020 के लिए एक क्रिटिकल एरिया है, जिससे एक्सपेक्टेड आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्वेश्चन आएगा शायद। और मलिमथ कमेटी जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है इसकी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने के। तो अब हम देखते हैं कि मलिमथ कमेटी किस चीज़ के लिए। ये बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। ये 2003 में इसका सारा सेटअप बना था और इसकी रिकमेंडेशंस भी पहले ही आ गई थी, बट अब गवर्नमेंट इसको कंसिडर कर रही है कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसकी कुछ रिप्रेजेंटेशन और इसकी फाइंडिंग्स के बारे में बात करेंगे कि ये लिखती है कि क्वालिटी ऑफ जस्टिस इंडिया के अंदर बहुत ही खराब है। क्यों? क्योंकि डिले है, क्रिमिनल केसेस के अंदर डिले है। उस वजह से क्या है, आपका लॉ एंड ऑर्डर जो और जो गवर्नेंस वाला एंगल है वहां पे भी आपको प्रॉब्लम आती है। पुअर गवर्नेंस के लिए ये वन ऑफ द रीजन है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पुअर होना। और क्यों? क्योंकि लोगों के जहन से, लोगों के दिमाग से डर निकल जाता है। आपको ये देखने को मिलेगा कि लोग करप्शन करके या फिर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, इन सब चीज़ों करके बिल्कुल नीडर होके घूमते हैं। तो मतलब उस चीज़ को ये एड्रेस कर रहा है। और वो वैसा क्यों है, डेटरेंस क्यों नहीं है सोसाइटी में? क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपका पुअर है, बहुत साल लग जाते हैं केस को डिसाइड करने में। ये उन चीज़ों को एड्रेस करता है मलिमथ कमेटी। अब उसका एक और फाइंडिंग है कि पुअर इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस, सारा केस जो है आपका वो डिले होगा। उसका एक रीज़न आपकी इन्वेस्टिगेशन भी होती है। पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपके कानून इतने कॉम्प्लेक्स हो, दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन बहुत पुअर हो पुलिस के लेवल पे, तो वो भी इन्होंने बात की है। फिर हमने ये देख लिया कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन जो है वो बढ़ रहा है, तो ये उसका। फिर ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट लाइफ, अब स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो लोगों की जिंदगी, उनकी लाइफ, उनकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करे बाय टेकिंग प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव मेजर्स। जो प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव मेजर्स हैं वो सरकार को लेने पड़ते हैं लोगों की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। किसी के साथ अनजस्टिस नहीं होना चाहिए, ऐसा किस लिए रिक्वायर्ड है, ताकि पूरी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। अब ये देखते हैं कि इसकी फाइंडिंग्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे एक तो इनकी रिकमेंडेशन, दूसरा एक उसके अंदर ये लाइन दी गई है, ये विवेकानंद की स्टेटमेंट है, ट्रूथ डजंट पे होमेज टू एनी सोसाइटी, एंशियंट और मॉडर्न, बट सोसाइटी हैज टू पे होमेज टू ट्रूथ। विवेकानंद, ये विवेकानंद की लाइन है कि सत्य जो है वो समाज के आगे नहीं झुकता, उनको होमेज नहीं देता, चाहे अब आज की बात करें या एंशियंट टाइम की बात करें, लेकिन समाज जो है वो सत्य के आगे नतमस्तक होता है। मतलब ट्रुथ के आगे सोसाइटी को झुकना पड़ता है, रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। तो ये एक लाइन है। अब ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, ये शायद एथिक्स के पेपर में आपसे पूछ लें, ये ऐसी कैसी लाइन डाल देंगे और फिर आपको बोलेंगे कि 10 मार्कर एक क्वेश्चन आएगा, आपको एक्सप्लेन करना होगा। और आप ये मेंशन कर सकते हो कि मलिमथ कमेटी में भी इस चीज़ के बारे में लिखा है, या फिर आप ये निकालोगे कि ट्रुथ को प्रोटेक्ट करना आपके पूरे जुडिशियल, ब्यूरोक्रेटिक, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जस्टिस के लिए भी ट्रुथ बहुत ही क्रिटिकल कॉम्पोनेंट है। आप इन चीज़ों को ऐसे लिखोगे इसमें, तो ये एथिक्स जीएस पेपर 4 के लिए भी इसका एक इम्पॉर्टेंट आपको इसमें से सामान मिल गया। नेक्स्ट हम चलते हैं कि मलिमथ कमेटी की रिकमेंडेशन क्या है और इन रिकमेंडेशन का यूज़ क्या करेंगे। देखो, जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, पुलिस के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा, पुलिस रिफॉर्म के ऊपर, जुडिशियल रिफॉर्म के ऊपर, तो आपको ये रिकमेंडेशन ऐसी कैसे मेंशन करनी है। और मैंने ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में रिकमेंडेशंस इसके अंदर यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो आपके लिए थोड़ा याद करना आसान हो जाएगा। देखो, पहला चेंजेस इन एविडेंस एक्ट, कैरेक्टर ऑफ द अंडर ट्रायल। अभी क्या है कि एविडेंस एक्ट जो है किसी अंडर ट्रायल का कैरेक्टर के बारे में बात नहीं करता, कि उसका वो व्यक्ति वास्तविकता में कैसा है, सोसाइटी में कैसा है, उठता बैठता है, उसकी हरकतें कैसी हैं। लेकिन मलिमथ कमेटी कहती है कि इसको कैरेक्टर ऑफ द अंडर ट्रायल, उसको भी कंसिडर करना चाहिए, और उसके लिए आपको एविडेंस एक्ट के अंदर थोड़े चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जुडिशियल, सिंप्लीफाइंग द जुडिशियल प्रोसेसेस, जुडिशियल प्रोसेसेस को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कानून इतने कॉम्प्लेक्स नहीं चल सकते,
कानून इतना, मतलब नेपोलियन ने ये बोला था कि आपका कानून इतना छोटा होना चाहिए जो कानून बुक होती है कि वो आपकी पॉकेट में आ सके और एक लेमैन के लिए भी समझना आसान हो, ये नेपोलियन ने बोला था। तो हमारे कानून बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आपको जुडिशियल प्रोसेस को पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आपको लॉज को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आपको केस फाइलिंग को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसके ऊपर काम चल रहा है ई कोर्ट करके, ई गवर्नेंस के थ्रू गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया है, लेकिन उसका पेस अभी थोड़ा स्लो है, तो उसको और थोड़ा फास्ट करने की ज़रूरत है। फिर हम आगे देखते हैं जुडिशरी के अंदर और क्या रिफॉर्म लेके आने हैं। एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर पर मिलियन 10 to 15 जजेस हैं, पर मिलियन 10 से 15 जजेस हैं पर मिलियन, लेकिन ये कमेटी रिकमेंड करती है कि इसको 50 लेके जाया जाए। देखो ये सिर्फ इस कमेटी की रिकमेंडेशन नहीं है, जितने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो इन सब चीज़ों को लेके अपने सजेशन देती हैं, उन सब का भी ये मानना है कि पर मिलियन 50 जजेस होने चाहिए आपके पास अगर आपको अपने कानून व्यवस्था को स्ट्रेंथन करना है तो। और नेक्स्ट ये बोलता है कि क्लासिफाई लॉ इन टर्म्स ऑफ क्रिमिनल, सिविल एंड सोशल, जो हमारे कानून हैं उसको अलग अलग कंपार्टमेंट में क्लासिफाई कर दो, क्रिमिनल लॉज, सोशल लॉज, सिविल लॉज। इसका फायदा क्या हो जाएगा, इनके लिए सेपरेट कोर्ट आप बना सकते हो, सेपरेट कोर्ट बना दोगे, इन सेपरेट सब्जेक्ट्स के लिए आपके जजेस भी एक्सपर्ट हो सकते हैं। क्रिमिनल जो केसेस लेते हैं जजेस वो क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हो जाएंगे, जो सिविल केसेस लेते हैं जजेस वो सिविल लॉ के एक्सपर्ट हो जाएंगे, और सोशल लॉ से रिलेटेड चीज़ों के जो जजेस होंगे वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। फिर उनका डिसीजन मेकिंग जो है वो फास्ट हो जाएगा, इससे केसेस जो है वो जल्दी से सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे, ये इसका एक ऐसी सोच है इस कमेटी की। नेक्स्ट चलते हैं पुलिस, पुलिस को लेके क्या रिफॉर्म है। इन्होंने सजेस्ट किया कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाया जाए, कि स्टेट लेवल पे कि स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कैसा चल रहा है और क्या क्या ज़रूरत है, किन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है। अब तो लॉ एंड ऑर्डर जो है आपका ई क्राइम भी बढ़ गया है, मींस इंटरनेट रिलेटेड क्राइम भी बढ़ गया है, फाइनेंस रिलेटेड क्राइम भी बढ़ गया है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये रिकमेंड करते हैं कि आप स्टेट सिक्योरिटी कमीशन लेके आओ, क्योंकि सिक्योरिटी का एरिया बहुत वाइड हो गया है। अब आपका एक सोशल मीडिया के ट्वीट के जरिए आप किसी भी जगह पे मॉब लिंचिंग करवाने का आजकल मतलब एक ताकत आ गई है लोगों के हाथ में, सोशल मीडिया के थ्रू मॉब लिंचिंग हो सकती है, तो ये सिक्योरिटी का कंसर्न है, इसीलिए स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाया जाए, क्योंकि अब जो सिक्योरिटी है आपकी बहुत कॉम्प्लेक्स है, टेररिस्ट अटैक, ई क्राइम और उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब चीजें इंटरमिक्स्ड हैं, ट्रैफिकिंग। फिर इन्होंने बोला कि पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाए। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी क्या करेगी, अभी एट प्रेजेंट अगर कोई पुलिस पर्सनल आपके साथ मिसबिहेव करता है तो आप थानेदार के पास जाओगे, वो कोई स्टेप ले या ना ले, ऐसा माना जाता है कि पुलिस थोड़ी बायस होती है, फिर अगर वहां से आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा फिर आप जुडिशरी के पास जाओगे, तो आपके लिए वो प्रोसेस पूरी की पूरी हरासमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनेगी तो वहां पे आप डायरेक्ट पुलिस पर्सनल की कंप्लेंट कर सकोगे और यहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स बैठेंगे जो आपकी बात सुनेंगे, तो ये आपको आपके ग्रीवेंस को रिड्रेस करने का एक टूल प्रोवाइड करेगा, एक रास्ता दिखाएगा। फिर हम आगे चलते हैं सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर। देखो क्राइम हो जाता है उसको इन्वेस्टिगेट करना है, उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना है, आपको पीस भी मेंटेन करना है, तो ये दो काम थोड़े अलग हो जाते हैं। क्राइम किसी के घर में चोरी हुई है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, पुलिस वाला वहां जाएगा, फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है आपको, कहीं झगड़ा भी नहीं होने देना, ट्रैफिक अच्छे से चल रहा है, पूरा ऑर्डर मेंटेन है, तो ये काम थोड़े अलग है, इनको अलग अलग कर दो आप, ताकि उनको हैंडल करने के लिए जो यूनिट्स बने वो उस एरिया के एक्सपर्ट हो सकें और ताकि उसको और अच्छे तरीके से वो मैनेज कर सकें, ये ऐसी सोच है। फिर हम देखते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर क्या है, ये कहते हैं कि फ्रॉम एडवर्सेरियल टू करेक्शनल जस्टिस सिस्टम होना चाहिए। एडवर्सेरियल जस्टिस सिस्टम में क्या होता है, देखो दो पक्ष होते हैं एडवर्सेरियल जस्टिस सिस्टम में, दोनों पक्ष के उधर के वकील हो गए इधर के वकील हो गए, आपस में एक दूसरे को हराने का सिस्टम चलता है उसमें, एक आदमी जीतता है एक हारता है, जो हारता है जो मतलब जो कन्विक्ट है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते कि आप उसको रिफॉर्म करो ना, उसको करेक्ट करो अगर वो गलत है तो,
तो उसका कंपोनेंट ये लेके आ रहे हैं कि करेक्शनल सिस्टम होना चाहिए। करेक्शनल कैसे होगा? ठीक है, उस क्राइम के लिए जेल हो गई, लेकिन जेल के बाद, जेल के अंदर उसके रिफॉर्मेशन के ऊपर काम हो, उसके रिहैबिलिटेशन के ऊपर काम हो। आपको पता होगा तिहाड़ जेल में एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, वो सारे के सारे कन्विक्ट होते हैं, वो रेस्टोरेंट चलाते हैं। वो ऐसा इसीलिए ताकि उनको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए, जेल का टर्म पूरी होने के बाद वो अपना बाहर जाके नॉर्मल लाइफ में सेटल हो सके। तो ये सोच है, अगर करेक्शनल सिस्टम होगा तो वो लोग अपनी सजा पूरी करने के बाद, अपने अंदर बदलाव लाने के बाद बाहर जाके समाज के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। अब हम आगे देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन पे क्या कहता है कि देश इट शुड बी अंडर जुडिशियल कंट्रोल, जैसे कि फ्रांस और जर्मनी में होता है। देखो हमारे यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन अलग चलती है, और आपने ये सुना होगा कि कभी कभी डिमांड भी होती है कि कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोर्ट मॉनिटर्ड। ऐसा इसलिए है, ये माना जाता है कि जुडिशरी के ऊपर लोगों को विश्वास ज्यादा है, और जज खुद बैठ के अगर इन्वेस्टिगेशन, पुलिस जो कर रही है उसको मॉनिटर करेगा तो अच्छी इन्वेस्टिगेशन होगी। अब फ्रांस और जर्मनी में क्या होता है, वहां पर यह नॉर्मल प्रोसेस है। इंडिया के अंदर तो डिमांड करनी पड़ती है, वहां पर यह नॉर्मल प्रोसेस है कि जुडिशियल जो एक मतलब ऑफिसर होता है उसके अंडर सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। तो इंडिया के अंदर भी इस सिस्टम को लाने के लिए ये कमेटी रिकमेंड करती है, ताकि जस्टिस जो है वो और अच्छे तरीके से आए और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन और अच्छा हो जाए। फिर हम आगे देखते हैं कि कन्विंसिंग एविडेंस शुड बी मेड एडमिसिबल। अभी जो एविडेंस एक्ट है उसके प्रोविजन में ये है कि योर एविडेंस शुड बी बियॉन्ड डाउट, डाउट के बियॉन्ड होना चाहिए, मतलब कोई कमी ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कमेटी रिकमेंड करती है कन्विंसिंग एविडेंस शुड ऑल्सो बी मेड एडमिसिबल। अगर आपको एविडेंस कन्विंसिंग लग रहा है तो वो भी आपको एडमिट करना चाहिए, उसके उसको भी आप कंसिडर करें। अभी लेकिन बियॉन्ड डाउट का सिस्टम है, तो बियॉन्ड डाउट जब आप लेके आते हो तो आपको बिल्कुल शॉर्ट शोर होना होता है। इस वजह से इन्वेस्टिगेशन को और डिले, आप देखोगे कि इन्वेस्टिगेशन डिले हो जाती है, ताकि जो सबूत चाहिए वो पुलिस को ढूंढने पड़ते हैं। बी एग्जैक्ट जो एविडेंस एक्ट में मेंशन है ये हो सकता है, कंसिडर किया जा सकता है, वो ढूंढने पड़ेंगे पुलिस को। अगर उसको कन्विंसिंग एविडेंस लेके आएंगे कि कन्विंसिंग, हाँ ये कन्विंस कर रहा है ये एविडेंस कि इस आदमी ने कुछ गलत किया है, तो उसको भी कोर्ट कंसिडर करे, ऐसा ये कमेटी रिकमेंड करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग क्या होता है कि दो पक्ष हैं, ठीक है, अभी कोर्ट दो पक्ष हैं, दोनों केस चलेगा, केस बहुत लंबा चलेगा, रिसोर्सेज दोनों पक्षों के लग जाएंगे पूरे के पूरे। लेकिन प्ली बार्गेनिंग क्या कहते हैं कि जो कल्प्रिट है अगर वो एडमिट कर लेगी हाँ मैंने गलती कर ली, तो सामने वाली पार्टी को ये कहेगा ठीक है मैं मान जाता हूं कि मैंने गलती कर ली, आप एक काम करो मुझे थोड़ी सजा में रियायत दिलवा दो, मुझे थोड़ी सजा में रियायत दिलवा दो। तो 5 साल की सजा मांगने की बजाय आप 3 साल की सजा मांग लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी गलती कबूल कर लेता हूं, ताकि उसकी सजा थोड़ी कम हो गई, सामने वाले को भी लगेगा मेरे रिसोर्सेज थोड़े बच जाएंगे। तो प्ली बार्गेनिंग का ये कंसेप्ट है। अब हम आगे देखते हैं कि विक्टिम राइट्स शुड ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड। जो विक्टिम के राइट्स हैं उसको भी प्रोटेक्शन के लिए ये कमेटी रिकमेंड करती है। कि अभी क्या होता है, विक्टिम जो है उसकी सिक्योरिटी, उसके लिए विक्टिम को कोर्ट जाना पड़ता है कभी कभी, तो और बाकी उनको समस्याएं आती है ट्रैवलिंग, इन सब चीज़ों को देखते हुए ये कमेटी रिकमेंड करती है विक्टिम के राइट्स हैं, उसकी सिक्योरिटी, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसके साथ जो हरासमेंट हुआ है, और उसको कभी कभी डॉक्टर की हेल्प की भी जरूरत पड़ेगी, तो इन सब चीज़ों के लिए भी प्रशासन जो है वो आ गया है, एडमिनिस्ट्रेशन खुद अपने लेवल पे इन सब चीज़ों को एड्रेस करे। फिर हम देखते हैं कि परजुरी शुड बी डेल्ट। अब परजुरी क्या होता है, परजुरी होता है कि अपनी बात से मुकर जाते हैं कुछ लोग, जो गवाह देने आते हैं, गवाही देने आते हैं, आपने देखा होगा वो अपनी बात से मुकर गए, तो वो परजुरी का कंसेप्ट है। तो ये कमेटी रिकमेंड करती है कि जो लोग ऐसी करते हैं अपनी बात से मुकर जाते हैं, उनके लिए भी कोई प्रावधान होना चाहिए, उनके लिए कोई प्रोविजन होना चाहिए कि उनको भी कुछ सजा दी जा सके। तो ये ओवरऑल कुछ रिकमेंडेशंस हैं मलिमथ कमेटी की, ये मैंने क्रिस्प और छोटे तरीके से आपको समझा दिया। आप इन चीज़ों को लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, और याद करने में भी आसान हो जाएगा। थैंक यू।